देवास एसपी संपत उपाध्याय और एएसपी ट्रैफिक एचएन बाथम ने स्कूल संचालकों की बैठक ली, जिसमें स्कूली वाहन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि बैठक में स्कूली वाहन में ड्राइवर और स्कूली स्टाफ के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के लिए भी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही वाहनों में ओवरलोडिंग होने पर उन्होंने कार्यवाही की बात कही है। स्कूली वाहनों का संचालन नियमानुसार करने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान शहर के कई स्कूलों के संचालक मौजूद रहे। निवास के जो विद्यालय के प्रबंधन के लोग हैं, प्राचार्य हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी एक बैठक ली गई है। बैठक का मुद्दा जो उनके स्कूली वाहन है उसके संबंध में है, जिसमें क्या सुरक्षा मानक का उनको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो स्टाफ है उनका चेत सत्यापन हो, वाहन के जो ड्राइवर कंडक्टर है उनका चेत सत्यापन हो, येलो रंग की बस हो उसमें बाकी जालियों पे ग्रिल वगैरह लगा हो, एक पूरा एसओपी बना हुआ, उस एसओपी का पालन करे विद्यालय। इस संबंध में उनके साथ बैठक लेके उनको समझाइश दी गई है। साथ ही साथ बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में कैमरे लगवाना, विद्यालय के परिसर में कैमरे लगवाना और विद्यालय गेट और गेट के बाहर कैमरे लगवाना, इस संबंध में भी सभी से निर्देशित किया गया है और उम्मीद है कि सभी लोग इसमें बेहतर सहयोग करेंगे, ताकि हम बच्चों की सुरक्षा के लिए जो मानक हैं और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित कर सकें। इस संबंध में देवास पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों में 50 से भी अधिक सैकड़ों गाड़ियों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसी संबंध में विद्यालय के प्रबंधन से भी चर्चा हुई और उनको भी बताया गया कि इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके यहाँ जितने भी वाहन अटैच किए जाते हैं सभी जो नियम है नियमों का पालन करते हुए हों, नियम के वायलेशन में ना हो। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और उनके निर्देशन में आज स्कूली बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है और शासन के दिशा निर्देश है उनके अनुरूप उनके संचालकों और प्राचार्यों की मीटिंग ली गई थी बच्चों की सुरक्षा के संबंध में। और संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी बताया गया और मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उनको संपूर्ण जानकारी दी गई, आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से परिवहन करना है बच्चों के लिए, आपकी क्या क्या वो रहेंगी जिम्मेदारियाँ, क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी है, बच्चों को कैसे लाना है, किस तरीके से ले जाना है, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण जानकारी उनको दी गई और उसका समय दिया गया 7 दिन में आप वो अपनी सभी बसेस वगैरह जो है स्कूल की वो कंप्लीट करा लेंगे। उसके बाद में ट्रैफिक की और परिवहन की जॉइंट टीम उन स्कूलों में जाके उन बसों का निरीक्षण करेगी और निरीक्षण करने के उपरांत ये संपूर्ण चीज़ें पाई गई उसमें उसके उपरांत एक सर्टिफिकेट जारी करेगी कि ये इन सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार और उनके मतानुसार ये कंप्लीट हैं और उसके उपरांत उनकी परमिट फिटनेस वगैरह उसकी कार्रवाई। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने अब ये निश्चय कर लिया है कि जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर उसमें किसी प्रकार की समझौता नहीं करना है। तो टीमें बना ली गई हैं और टीमें अब अपनी टीमें बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगी और 7 दिन के बाद में समस्त स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। जो इनकी जो गाइडलाइन है उनकी यदि पूर्ति नहीं करते हैं, गाइडलाइन की यदि नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी, उनके परमिट फिटनेस और अन्य। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।